क्लैरिटी है कि मेरा कुछ काम मेरा भी रहा है, तो किताबें हैं और खासकर जो मैंने कल उनको सुना उसी में जोड़ना चाहूंगा। हमारे लिए जो आरटीआई आएगी वो 90% से ज्यादा आरटीआई में एसपीआईओ भी हम नहीं है और 90% से ज्यादा में डीम्ड एसपीआईओ भी हम नहीं है। तो आप उसको आरटीआई माने ही ना। हमारा एसपीआईओ है रेवाड़ी बैठा है ई ऑफिस में, वो आपसे साधारण डाक की तरह मांग रहा है बस। तो उसमें आप ये सारी धाराएं मत लगा देना लिख के जो नहीं दे सकते वगैरह, वो डाक आ रही है आपके पास, आरटीआई नहीं आ रही। आपके पास ये आ रही है ये सूचनाएं भेजी जाए तक कंपाइल करके हमारा एसपीआईओ भेज दे। तो 90% से तो हमारा पीछा छुड़ा, हमें भेजनी नहीं। जो टीओ ने मांगी बीओ ने रोज डाक मांगते हैं वो डाक देनी है। हो सकता है कुछ 10% में ले रहा हूँ, हमारी संस्था में सीधी लग जाए, उसके लिए जानकारियां दी उनका हम लाभ उठाए। 90% हमें कुछ करना ही नहीं, हमें जानकारियां भेज देनी है, वो कंपाइल करके सब भेजेंगे। ये सेशन थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, जैसे रामजीत जी का आज कंबाइंड लग रहा है। आज के सारे सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो जो हम सुनेंगे समझेंगे, जरूरी नहीं हेड को कभी काम नहीं करना होता सारा, हेड को आरटीआई थोड़ी बनानी, लेकिन जिस हेड को जानकारी होगी वो आरटीआई बना के लाएगा जो टेबल पे, उसको एक मिनट बता देगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, जो बिल बना के लाएगा उसको एक मिनट बता देगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आपको तो ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए, आपने करना कुछ नहीं है, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप तो एक अच्छे प्रबंधक हैं, आप तो आप कैसे माओ करके वो करना है, आपने एक काम भी खुद नहीं करना। लेकिन लीडर्स क्रिएट करने नहीं है तो पैदा करने, उनको काम बांट के और सबको पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना है। तो ये उन्होंने अभी सारा आरटीआई बताया, बहुत इफेक्टिव था। मेरे डॉक्टर साहब तो नोट्स बना के लेके आए थे 5 पेज, वो मैंने खुद भी फोटो स्टेट उनकी ले ली है उनसे, तो वो बहुत आगे भी हमारे काम आए। लेकिन कल जो अगला सेशन था डॉक्टर राजकुमार जी का